स्थानीय डीआरपी लाइन बड़वानी में पुलिस विभाग द्वारा पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद हुए पुलिस कर्मियों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कलेक्टर उपस्थित रहे। वही एसपी द्वारा शहीद हुए पुलिस कर्मियों की नामावली का वाचन किया गया। पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर देश के शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देने हेतु डीआरपी लाइन बड़वानी में शहीद दिवस परेड का आयोजन किया गया, जिसमें विगत एक वर्ष में देश भर के विभिन्न राज्यों व केंद्रीय पुलिस बल के 377 पुलिस कर्मियों, जिन्होंने कर्तव्य के निर्वहन के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर शहीद पुलिस कर्मियों के उपस्थित परिवारजनों का सम्मान किया गया। आज 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस का आयोजन हमारी बड़वानी पुलिस लाइन में हमने किया है। ये आयोजन वर्ष 1959 में चीनी सेना का सामना करते हुए हमारे 10 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उनकी याद में किया जाता है। और आज के दिन हम उन सभी अपने वीर जवानों को याद करते हैं जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। विगत एक वर्ष में 377 पुलिसकर्मियों ने, जो अलग अलग राज्यों के हैं, अलग अलग केंद्र के संस्थानों के हैं, उन्होंने इस राष्ट्र के प्रति अपना सर्वोच्च समर्पण दिया है। चाहे वो आतंकवाद से लड़ते हुए हो, नक्सलवाद से लड़ते हुए हो, कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने में हुआ हो, या कोरोना के प्रति जो उनकी जवाबदेही रही है उसके निर्वहन के दौरान हुआ हो, अलग अलग कारणों से 377 जवान और मध्य प्रदेश से 15 जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके नामों का उच्चारण किया गया, उनको याद किया गया, उनको हमारी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और अब ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया, इसमें हमारे यहाँ से जिला प्रशासन के सभी अधिकारी और जिला न्यायालय के सभी अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित हुए हैं। इस आयोजन का सफलतापूर्वक समापन हमने किया है। ग्राम पंचायत गारा में जिला पंचायत सीईओ के आदेश का नहीं हुआ पालन, सचिव व सहायक सचिव रहे नारादत्त। पंचायत में लगा ताला। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशन में जिला पंचायत सीईओ ऋतुराज सिंह ने जनपद पंचायत पार्टी के समस्त ग्राम पंचायत सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायकों को आदेशित किया था कि वे अब प्रत्येक सप्ताह के सोमवार व गुरुवार को अपने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर विभिन्न कार्य संपन्न करेंगे, लेकिन गुरुवार को इसी नियम की धज्जियां उड़ाते हुए ग्राम पंचायत गारा के सचिव सुरपाल यादव व सहायक सचिव नाहर सिंह नावरे पंचायत मुख्यालय से नाराज़ रहे। पंचायत के दरवाजे पर ताला लगा मिला, जबकि आज गुरुवार को पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहना था। इन जिम्मेदारों की लापरवाही से ग्रामीणों को शासन के जन कल्याणकारी का लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रामीण पहाड़ सिंह ने बताया कि सचिव व सहायक सचिव ध्यान नहीं दे रहे हैं, गांव में नया काम होना चाहिए उसके लिए भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, गांव विकास के लिए नए कार्य का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदार पंचायत में आते ही नहीं तो गांव का विकास कैसे होगा। साथ ही गुरुवार व सोमवार को कलेक्टर ने आदेश दिया है, लेकिन इसके बावजूद कोई पंचायत में नहीं आते, हमेशा पंचायत बंद रहती है। पहाड़ सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत गारा में 3 गांव आते हैं, रामगढ़, मुरानी और गारा, जिसमें रामगढ़ व मुरानी सिर्फ नाम के गांव हैं। उक्त दोनों गांवों में गांव के विकास के लिए शासन स्तर से मिलने वाली योजनाओं से कुछ भी काम नहीं हुए। साथ ही सालाना जो बजट आता है उसका रामगढ़ व मुरानी में विकास के लिए नहीं मिलता। यहां के शासकीय सेवक की लापरवाही है, जिसके कारण ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। वही पेंशन को लेकर जब सचिव व सहायक सचिव से पूछने पर कहते हैं कि हमको नहीं मालूम, तो हम अनपढ़ लोग इसको जाकर बताए, जिसके चलते ग्रामीणों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। सचिव और ये सहायक सचिव और सरपंच तो कोई ध्यान दे नहीं रहे, और जो नया काम होना चाहिए उसको भी कहीं नहीं ध्यान दे रहे। पंचायत में बैठक है तो कोई नया कोई प्रोजेक्ट या कोई भी प्रस्ताव दे तो उस प्रस्ताव को पास होना करने के लिए आना चाहिए वो, पर ये पंचायत में आते नहीं। आज गुरुवार है, इसके बाद भी ये बंद है? नहीं नहीं, गुरुवार और ये सोमवार से सरकार ने कलेक्टर ने आदेश दिया, पर उसके बावजूद भी यह नहीं आते। ये हमेशा की ये स्थिति? हाँ, ये स्थिति है। क्या मांग करते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? काम क्या, हमारी पंचायत में 3 गाँव आते हैं, रामगढ़, मोरानी और गारा, तो उसमें सिर्फ रामगढ़ मोराड़ी तो सिर्फ नाम के है गांव पंचायत के अंदर, पर काम तो कहीं कुछ भी नहीं उसका, सरकारी आते भी नहीं और काम हाँ ध्यान भी नहीं देते और विकास भी नहीं हो रहा, नहीं होता। और जो पंचायत का जो सारा सालाना बजट रहता वो बजट भी मोरानी रामगढ़ में उपयोग में नहीं कर रहे।
अच्छा, क्या किसकी लापरवाही लगती है? ये सचिव, सरपंच, सबकी, जो सरकारी इस पंचायत से जुड़े लोगों की। क्या योजना का लाभ नहीं मिल रहा किसी? नहीं, नहीं 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 मिल रहा। और किसी किसी का तो पेंशन का पैसा भी जमा नहीं हो रहा, तो उनको मंत्री उनको बता रहे कि ये पेंशन पे जमा क्यों नहीं हो पा रही, बोले तो ये हमको नहीं मालूम, बोले तो हम अंगूठा छाप लोग किसको जाके बताए। क्या कहना चाहोगे आप? हम क्या ध्यान देना चाहिए? और जो जिसका है सरकारी योजना से, किसी का विधवा वाले का है पेंशन नहीं जमा हो रही, विकलांग का पेंशन नहीं जमा हो रही, लोग आते खाते में चेक कराते, पेमेंट आते नहीं, बोलते तो हो जाएगा ऐसा करके लोगों को दौड़ा रहे। ये सचिव और सहायक सचिव की ज़्यादा लापरवाही, क्योंकि वही सब कुछ करते हैं। हाँ नहीं तो अधिकतर तो सचिव का काम है ये सब कुछ करने का।